जितनी चीजें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीजें भूलते हुए, आईपैड, वॉलेट, फोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीजें जो डेली यूज की हैं वो सीधा आई डोंट केयर नया ले लेंगे, उसको पता ही नहीं रहता छूट गया है, बस आधे रास्ते हो जाती है होटल में उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था। पासपोर्ट तो नहीं खोया ना कभी उसका बेचारेगा, पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है 2-3 बार, बड़ी मुश्किल से उसका रिट्रीव किया है। लॉजिस्टिकल मैंने मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले मुझे सामान है, जब उसकी यस मिलती है तब बस मिलती है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू हैव एवर कम अक्रॉस। उसको कोई इशू एड्रेस करना ना वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहां है ना बहुत ये है। अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है, मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं, हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा, वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो जल्दी जल्दी कहता है अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है यार, रवि कश्यप। कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है जबान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है लेकिन कुछ भी बोल देता है। जड जी का तो आपको पता ही है, शिखर धवन। तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का, फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं, तो ओवर हो रहे हैं एक के बाद एक, रोशनारा क्लब में मैच था, ओवर स्विचिंग एंड्स, तो एक नया नया टीम में प्लेयर आया, तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से लिया, तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये लड़का मतलब जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है, मेरा तो ऐसा हाल हो गया। तो वो पुनीत अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है। तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी, उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई, तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करो। तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है, कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं, गुड बुक्स को कहता है नोटबुक्स। मैंने कहा थोड़े स्कूल में तो कभी छुई नहीं। और स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे और मैं जमीन पे। आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है, और सीरियस में। बट शिखर इज आल्सो सुपर एंटरटेनिंग, उसको भी लगता है कोई फिक्र नहीं है दुनिया की, चांस ही नहीं है। एक बार उसको याद है न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में, हमारा एक दोस्त था उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी, तो बड़ा एक्साइटेड कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी, बड़ा मजा आएगा, सब दोस्त आएंगे। मैंने कहा मजा तो आया, क्या था, हाँ चलो प्लान बनाओ, प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फोन आ गया किसी, उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी, कहता हाँ, तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है और बहुत ट्रैफिक होगा, वो निकलने की कोशिश कर रहा था। तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है तो कराना है, कह रहा हाँ हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो। इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में, रात को उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे, तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आप कितने बजे की फ्लाइट है, कह रहा तू कौन है, तो कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फोन करना, हमने कार्ड छपा दिया, कह रहा भाई साहब हो कौन आप, कहता आपकी फ्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो, हम लोग फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं कौन है, हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे। क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा, उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूं। यूवी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू गेट विराट टू पे अ बिल इज बाय कॉलिंग हिम अ कंजूस, किसको एक बार ही कंजूस बोलोगे तो वो उनका सीधा सीधा हिसाब है, जो आशु भाई ने बोला ना सही बात है, चोरी किसने की, मैंने नहीं करी सर। वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा माहौल बनाए उससे पहले माहौल बना दो, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया। उनका पता है क्या हिसाब किताब था, शुरू में ना मेरे को फोन करते थे, चीकू रोटियां मंगा, अच्छा जी मैं क्या खाना है, मंगा ले कुछ भी मंगा ले, कभी बताना नहीं कि क्या खाना है, मैंने मंगवा दिया पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो, खाना आएगा ना पहली बाइट दाल की खाई, ये दाल है ठीक ही, ये पालक है, मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करो और फिर उसकी बुराई करो बैठ के, क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस, अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है तू ही मंगा ले, कभी आज तक नहीं बोला क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के, जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक तब तक मजा नहीं आता उनको। जैक ने कहा कि विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है। वो दिन गए। नहीं यार मेरे से बोलिंग मतलब मैं कर देता हूँ बोलिंग, पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ,
ऐसा हुआ भी है दो तीन बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहां से रही है, क्योंकि मैं दो तीन बार फिसल भी चुका हूं बॉलिंग करते हुए। एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी, तो मार्क बाउचर कीपर था, आईपीएल का मैच था किंग्स इलेवन पंजाब से, और भोपारा बैटिंग कर रहा था। अच्छा कभी कभी क्या होता है आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है, उस दिन क्या हुआ मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतने ऊपर से गई, तो भोपारा यूं खेल रहा है और बाउचर यूं पकड़ रहा है, ये कर क्या रहा है आदमी, नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी और स्विंग भी हो गई रजनीकांत। ऐसा तो जैक पाबी ने भी किया, मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया, मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन पता नहीं है यार, मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है, मैं और किसी तरीके से बोलिंग ही नहीं कर सकता, मैं स्पिन भी डालता तब भी ऐसे ही हो जाता है मेरे से नहीं होता। मैंने प्रिपेयर सिर्फ दो दिन से यही किया है कि मेरे को उनसे मिलना है इंडियन चेंज रूम में ना जाके, मेरे को सचिन तेंदुलकर से मिलना है। अच्छा अब इन लोगों को ना पता चल गया, मैंने किसी ना किसी से तो बात करी कि यार मेरे को बड़ी ना घबराहट हो रही है, इन्होंने प्लान बनाया, कहते हैं कि जो टीम में नया आता है वो पहले माथा टेकता है पाजी के पैरों में जाके। अच्छा मैं सीरियसली मान गया इनकी बात, मैं गया हूँ, हेलो पाजी, हाय हाउ आर यू, मैंने कहा गुड, मैं नीचे जाने लगा कह रहे क्या कर रहा है, मैंने कहा इन लोगों ने बोला कि आके माथा टेकना होता है आपके पैरों में तो कहते नहीं नहीं यार तेरी टांग खींच रहा है, मेरा पहला इंटरेक्शन वो था। और ये किसने बोला था, यूवी ने बोला था कि भज्जी ने बोला था? यूवी पाजी, भज्जू पा, मुनाफ पटेल एंड इरफान पठान। मुनाफ पटेल वॉज द बिगेस्ट इंस्टिगेटर इसमें, कि मेरे को कन्विंस ही कर दिया नहीं करेगा तो सब देख ले तेरा क्या होगा, हमें हम तो गारंटी नहीं लेते, ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब मैं ब्रेन वॉश हो गया था। बट जब मैं विदाउट बिफोर अप्रोचिंग हिम, व्हेन आई वाज मेकिंग अप माय माइंड कि यार कैसे मैं जाऊं, आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिम इन द चेंज रूम एंड ही वाज राइट इन फ्रंट एंड ही वाज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टफ एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम लाइक दिस, मतलब मुझे टाइम रजिस्टर करने में लग रहा था कि ये सच है कि बीच में कोई टीवी स्क्रीन नहीं है। बट इफ यू हैड वन चीट डे कि आज बॉस जो भी खाऊंगा वो ब्रोकली जैसा बन के अंदर उतरेगा तो क्या होगा? रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110%, वो भी उसकी दुकान के पास जाके। आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो फटूरे हो जाते हैं, वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है उसमें, ताजे ताजे जो फूले हुए आते हैं जिसमें उंगली मार के भटूरा नीचे दो, वैसे थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार, क्रिस गेल एंड एबी इन दी आईपीएल, बहुत मजा आता है दोनों के साथ। क्या सुपरस्टार दोनों यार, मतलब कमाल के बंदे हैं, मतलब हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, मजा आता है उन लोगों के साथ ना फील्ड पे, ऑफ द फील्ड एज वेल दे आर ब्रिलियंट ह्यूमन। क्रिस गेल के साथ क्या है एक्शन? क्रिस गेल के साथ वो कैसे करके क्या है समझाने से पता नहीं, मैंने तो भज्जूपा को देखा था एक बार करते हुए, तो मैंने कहा भज्जूपा क्या कह रहा है मुझे भी नहीं पता, मैंने कहा ठीक है देखने में तो अच्छा है। तो व्हाट डू थिंक अबाउट कंपैरिजंस? आई डोंट बिलीव इन देम। कंपैरिजन एक तो होता है कि चलो बंदों का कंपैरिजन हो सके, तुम मेरा कंपैरिजन ऐसे इंसान से करते हो जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, स्किल लेवल में कोई मुकाबला ही नहीं है, मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर, कहां से कंपैरिजन हो सकता है? आई हैव ऑलवेज सेड इट्स नॉट फेयर ऑन हिम बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज गिवन अस, he doesn't deserve to be compared to us, yeah. This generation, no chance. Going into the 2011 final, do you remember the previous evening? I just remember, तुम bread पे bread पहले जाओ. I just remember last day. चोर. I just remember walking in and watching my idol come out after getting out. Yeah. And walking into one kid, I felt like कि यार या तो ये लोग भूल गए कि मैच इंडिया में है. Yeah. यानी लग रहा है मैं नंबर 11 का प्लेयर हूँ, कोई उम्मीद ही नहीं है कोई शोर ही नहीं मचा रहा यार, थोड़ा तो कुछ तो ये कोई तो बोले ये बड़ा अच्छा, कोई तो इंडिया में हो रहा है भाई, कोई तो मैं देखा भी था एक दो बार ऊपर में, प्लीज एनीवन मतलब बिल्कुल शांति, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर हैज गॉट नाउ वर्ल्ड कप फाइनल, वी ऑल वांटेड हिम टू गेट रन्स एंड विन इट फॉर इंडिया, दे ऑल वांटेड हिम टू गेट रन्स एंड विन इट फॉर इंडिया, कट टू वी आर 28 for 2, आई एम वॉकिंग इन, मलिंगा इज बॉलिंग, मैं यही प्रे कर रहा था, मैंने कहा भगवान ये यॉर्कर ना मारे बस पहली बॉल ना मारे बस एक बॉल में खेल लूं उसके बाद ठीक, उसने लेंथ बॉल डाली, मैंने डिफेंस कर ली, उसके बाद मेरा थोड़ा रिलैक्स हो गया, उस टाइम तक मुझे कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है। योर फेमस स्टेटमेंट इन 2011 भाई, वो स्टेटमेंट 2011 सुनने के बाद ना सुनने का वो पता नहीं कहां से आ गई यार, उस टाइम तो इतनी इंग्लिश आती भी नहीं थी, कहां से निकल के आई वो, he's carried us on his shoulders, मुंह से निकलेगी और कहां से निकले पक्का क्योंकि एक बारी कोई एड शूट होता था जहां पे कहीं और से भी कुछ निकल सकता था, कौन सा एड शूट? जो वॉरियर वाला, ओ ब्लडी यहां पे कपड़े फट गए ओ यार मत याद दिला, ओ माय गॉड, किसने फाड़े नहीं थे वैसे, होते फाड़े नहीं थे मुझे, एक मैं वाज डूइंग एन एड, दे मेड मी लुक लाइक अ सुपर हीरो और सूट मुझे दिया बिल्कुल, मतलब
स्किन टाइट, जो हम वो नहीं पहनते स्किन्स जो बोलते हैं, बॉडी आर्मर पूरा, मैं बड़ा कूल फील कर रहा था। मेरे हाथ में उन्होंने बैट दिया हुआ है, कहते हैं आपने बॉल मारनी है, लेजर लाइट्स लगी हुई है, आपने यहाँ से निकलना है, वहाँ से निकलना है। चलो जी करेंगे, बड़ी अच्छी सेटिंग थी। थोड़ी देर में ना करते करते मैं एक्साइटेड हो गया, तो बड़ा इंटेंस शूट चल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मुझे ठंड लगने लगी नीचे, थोड़ी मुझे हवा सी आई, तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या है, मेरा कॉस्ट्यूम इतना नीचे से फटा हुआ था, ऊपर से मैं दिख रहा हूँ स्लीक सुपर हीरो, नीचे से फकीरों वाले हाल मेरे, नीचे से पूरे मेरे कपड़े फटे हुए। वो मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग, और मेरा अंडरवेयर भी थोड़ा चमकीले से रंग का था। इतने पैसे नहीं देते उन्होंने। नहीं, मैंने कहा यार सुई धागा तो लगा दो, कुछ तो करो, हिलने तो दो, उसके बाद बिकवा लेना जो बिकवाना है, फटे कपड़ों में भेज गया। क्रिकेट के बाद तो ये सीखने को मिल गया है कि कुछ भी कभी भी फट सकता है। एब्सोल्युटली, क्रिकेट में तो कभी भी फट सकता है, डर तो लगता है। दूसरी तरफ अगर वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा हो या हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहा हो, भाई मैं तो क्रिस गेल तक के साथ खेला हूँ, वो तो सामने मारता था। मुझे एक बार ना एक कुमार धर्मसेना एक अंपायर है, तो बैंगलोर में मैच चल रहा था, तो क्रिस गेल भाई साहब पूरे अपने जोश में थे, उन्होंने सामने वाली टांग साइड में रखी और बॉल आ गई रडार में, उन्होंने सामने मारी, तो मैंने, मेरे पास इतना ही टाइम था, मैं यूं किया मैट्रिक्स वाला ही मूव हो पाया मेरे से, बॉल निकल गई साइड से। तो मेरे को अंपायर क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कहता है लिसन व्हेन क्रिस हिट्स Go like this. Don't go like this. Yeah. A ball hits your helmet and it comes towards me. I am dead. मैंने कहा okay. Now I understand. उसकी इतनी दहशत थी, अंपायर तक डरते थे, ऐसे खड़े रहते थे। मोहम्मद इरफान, टॉल गाय, वो तो फर्स्ट फ्लोर से जाते ना। मैंने एक्चुअली वर्ल्ड कप मैच से पहले, संजय बांगर इज आर बैटिंग कोच, सो उन्होंने एक आई डोंट नो एक फुट का कोई वो था, स्टूल टाइप था, तो वहां पे खड़े होके वॉज बोलिंग एट to prepare for this guy. So he was abnormally, you know, कुछ अजीब था, इतना bounce होके ball used to go from here. Yeah. मुझे अभी भी याद है 2020 match था Bangalore में, तो me and Yuvika were batting. तो I tried to pull him. तो Yuvika कहते हैं bounce हो रहा है, cut मार. तो जब मैंने pull मारा तो ball इतनी ऊपर से गई. मुझे समझ नहीं लगी, मैंने कहा ये क्या हुआ, कह रहे वो लंबा है, कट मार विद द पेस, मैंने कट मारा फिर इतनी ऊपर से गई, कह रहे रहने दे, कह रहे इस तरफ आ जा, मैंने कहा मेरी हाइट इतनी है मैं पहुंच नहीं पा रहा। सही, ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं उनसे पिच इंग्लिश में बात होती है, मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं। लाइवली रखना चाहिए। जे तू लग दी पंजाब बन लग दी पटोला, लगे नहीं तो सारे यहां तो वख नहीं, तेन सूट सूट कर, मेरे को हिंट दो। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज अ पटोला? पटोला इज अ पंजाबी गुड लुकिंग वुमन। गुड लुकिंग वुमन इज पटोला। यस, वेयरिंग अ सूट। तू तक तू तक तू तक तूतिया हाय जमालो। मैं जो छोटा था ना, मुझे लगता था दही जमालो, सबको ही लगता था, हमको सबको ये सिखाया हुआ था। अच्छा एक और बताओ। हो इश्क तेरा तड़पा।